आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन क्यूजीन कौन सी है? जापानीज, मोरक्कन, इंडियन या फिर चाइनीज? अगले दो दिन में ट्राई करने वाला हूँ दुनिया की 10 सबसे बेहतरीन क्यूजीन्स का खाना, ये जानने के लिए कि इन सब में से कौन सी क्यूजीन है वर्ल्ड की नंबर 1 क्यूजीन। गूगल रैंकिंग्स के हिसाब से चाइनीज क्यूजीन है वर्ल्ड्स नंबर 1 क्यूजीन, और उसके बाद है फ्रेंच, देन इटालियन और 10th पर है इंडोनेशियन। लेकिन ये रैंकिंग किस हद तक सही है वो हम पता लगाएंगे आज इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आज ये पता लगाने के लिए मेरे साथ हैं टू फूड एक्सपर्ट्स फ्रॉम लंदन। नमस्ते, मेरा नाम संदे। आज मैं अपने दिन की शुरुआत करने वाला हूँ जापानीज, फ्रेंच और इंडोनेशियन खाने से। सो सी एट द फर्स्ट लोकेशन। This is our first location. The name is Kofuku, Ansel Plaza, Sakit. यहाँ पर हम ट्राई करने आए हैं जापानीज क्यूजीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊँ कि इनका जो सबसे ज़्यादा हमें पसंद आया था ना ड्यूरिंग आर रिसर्च, कि जिस तरीके से इन्होंने सेटअप कर रखा है ऑफ सिटिंग इन एवरी थिंग। चेक दिस आउट, हम लोग को अपने घुटनों पर बैठना है। घुटनों पर बैठने का ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ भीख मांगने आए। घुटनों पर बैठना इज लाइक जैसे हमारे में हाथों में सोने। इससे पहले इस तरह की लोकेशन में कभी आया? भाई कभी मैं नहीं आया। कैसा लग रहा है तेरे को? मैं तो देख के हिल गया हूँ। मैं नाम जापानी सॉस जिंग पोर्क पोर्क नहीं खाना, मैंने सूअर नहीं खाना। या सुशी 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 वर्क्स फॉर अस। आप मुझे ना ये प्रॉन वाला ला दीजिए। नान होती है नान भाई, ऑर्डर करना अपने आप में एक महाभारत है। अभी जीत गए, बाकी खाने के बाद देखते हैं। Can you tell me a little about the preparation of this dish? How is it made? Inside it's a tempura, and this outside is a seaweed. And what is this? It's a wasabi. Yeah, I got it. आप हमें थोड़ा सा चॉपस्टिक चलाना सिखा सकते हैं? कितनी गंदी स्मेल है। कुछ अच्छी है? अच्छी या अच्छी है तो कैसा लग रहा है? कुछ भी से नहीं खाया जाएगा ना। कोशिश कर सकते हैं, चल भाई स्टार्ट करें। चलो लेट्स बिगिन। भाई मेरे से इससे तो होगा नहीं। ये सुन के देखना। कब सुनूं मैं जो कहानी है मुझे। इसको मैंने ये डिप किया। क्या किया संजू? अब टेस्ट अच्छा है। क्वालिटी हो जाएगी। क्या करना है क्या? मैं नहीं खा रहा। मेरा मन तो कर रहा है मैं इससे जाके पूछूं एक आप बवासीर बनाती हो गई। भाई अब हम ये खाने वाले हैं कोफुगु बैलनीज क्यूरी। करी 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 क्यूरी। आयुष के मैं कम डालूंगा। सारा खा नहीं पाया। शक्ल से तो ये भी सही नहीं लग रहा। ये है प्रॉन्स। अब मुझे यार यहाँ पे रुमाली रोटी मिले तो मैं इस ग्रेवी को भी पेटने की सोचूं। चेयर्स कर यार जल्दी। एक सेकंड यार, खाया जा नहीं रहा। चेयर्स कर। काफी यूनिक टेस्ट है। बहुत ज्यादा यूनिक टेस्ट है लेकिन यार अच्छा है। इनएडिबल क्यों लग रहा है? तो दिस इज द सेकंड डिश जो हम लोग अभी खा रहे हैं। ये थी हमारी सुशी जो हमसे मुझसे स्पेशली खाई नहीं गई। मी टू मुझसे भी नहीं खाई गई है। ये इस जानवर को पता नहीं कैसे पसंद आ रहा है। ट्राई करते हैं अगली क्यूजी। एक काम कर, ये ले पेमेंट कर। अरे आयुष ये कौन सा कार्ड है? इतना स्टाइलिश और पेमेंट भी बड़े आराम से हो गई। जस्ट टैप देन पेड। ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है बल्कि 5 का प्रीपेड कार्ड है फॉर टीनेजर्स जस्ट लाइक यू हु आर 11 टू 21 इयर्स ओल्ड। हम सब जानते हैं कि टीनेजर्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, एंड दैट इज स्पेंडिंग मनी, इधर ऑन फूड, क्लोथ्स, पार्टीज और ऑन देयर क्रश। क्रशेस को क्रशर्स पिलाने का बड़ा शौक है नहीं? फाइप इज अ परफेक्ट पेमेंट ऐप फॉर एवरी टीनेजर, एंड इसके साथ ही कूल वीजा कार्ड आता है। अब आपको हर जगह पॉकेट मनी में मिलने वाला कैश कैरी करने की जरूरत नहीं, ना ही जरूरत बैंक के लफड़ों में पड़ने की। ऑल यू नीड इज फाइप एप्लीकेशन ऑन योर फोन एंड दिस कार्ड इन योर हैंड। बेस्ट पार्ट है कि
OTP भी आपके नंबर पर ही आएगा। ये ऐप टीनेजर्स के लिए पूरी तरीके से सिक्योर है क्योंकि आप इस पर साइन अप तभी कर सकते हैं या तो आप एक टीनेजर हो 11 to 21 ईयर्स ओल्ड या फिर आप एक पेरेंट हो ओवर 35। चलो अब आपको बताता हूँ हाउ दिस वर्क्स। सबसे पहले आपको 5 एप्लीकेशन को मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना है और फेसबुक पर जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको लिंक यहाँ पर नीचे अटैच मिलेगा। आपको डाउनलोड करने के बाद आप उसी टाइम वर्चुअल कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो जो ऐप पर ही होता है और आप ये कूल कार्ड ऐप की कार्ड सेक्शन से अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। आप ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसमें अपने पेरेंट्स या बड़े भाई बहन से पैसे डलवा सकते हो और फिर उन पैसों को ऑनलाइन ऑफलाइन रिचार्ज बिल्स पेमेंट्स गैजेट्स गेम्स या कुछ भी खरीदने में यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक अ यूजुअल डेबिट कार्ड 5 हर मर्चेंट और आउटलेट पर वैलिड है और एक यूजुअल डेबिट कार्ड से ज्यादा स्टाइलिश यूनिक और सेफ है। अब ये कार्ड सेफ कैसे है क्योंकि एक नंबरलेस कार्ड है, इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो अगर आपसे गलती से खो भी जाता है तो कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर सकता और चाहे तो आप इसको 5 एप्लीकेशन से 1 टैप में ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट कि अगर आप ऑनलाइन जोमेटो या स्विगी से फूड ऑर्डर करोगे तो आपको 5% कैशबैक भी मिलेगा। इसके साथ साथ 5 कार्ड से स्वाइप या 1 टैप पेमेंट्स बहुत आसानी से कर सकते हो। 5 कार्ड यूज करने पर आपको मिलता है 5 मिंट फॉर एवरी रुपीज स्पेंड जिसे आप यूज कर सकते हो टू क्लेम रिवॉर्ड्स ऑन द 5 एप्लीकेशन। ऑल्सो इस एप्लीकेशन के फीड सेक्शन से आपको मदद मिलेगी फाइनेंशियली स्मार्ट बनने में। मेरा अब तक एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दिस 5 कार्ड हैज बीन अमेजिंग। आज मैं पूरा दिन इसी से पेमेंट करने वाला हूं क्योंकि कैश का झंझट मुझे तो पसंद नहीं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा एक कार्ड ऑर्डर करना चाहते हो तो अभी मेरे रेफरल लिंक से इसे डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा और फेसबुक पर यहां नीचे अटैच मिलेगा। और अभी मैं बढ़ता हूं अपनी अगली क्यूजीन की तरफ। ओके तो हम आ गए हैं सेकंड क्यूजीन ट्राई करने। कंसीडरिंग ये इंडोनेशियन क्यूजीन है उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है बिकॉज हमें 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा है। बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा यार हमें यहाँ पर बैठने के लिए ना। मेन्यू में क्या गया भाई? इनके मेन्यू में कढ़ाई पनीर, मटर दाल, दाल फ्राई, तड़का। मलेशियन करी, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बंद कर यार। ये चिली बेसिल चिकन विद नूडल्स। इसका क्या नाम बताया था आपने? बेस नासिक गोरे। नासिक गोरे ये सैगो क्रैकर साबूदाना का पकौड़ा। सर आप नवरात्रि वाला वही वर्त वाला वर्त वाला ये देखो ये हमारे यार नवरात्रि में मिलता दिखाओ ये नवरात्रि वाला और ये इसको मलेशियन बता के हमें खिला रहे हैं। चल नूडल्स है। दिस इज मंचूरियन। कटहल सब्जियों का मतलब वो है ब्रोकली कटहल और बेल पेपर। थोड़ी सी मलेशियन आ गई। फ्राइड राइस इंडोनेशियन फ्राइड राइस। बढ़िया खाना टेस्टी है। फाइनली कुछ गया पेट में। हम तो सोच रहे थे बीच में डी टू मार के कुछ मैकडोनल्ड से खा लेंगे लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मेरे भाई को ये टेस्टी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें सब कुछ ना इंडियन टच दे दिया हूँ मैं। अपना ऑथेंटिक कुछ रखा है इसमें। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये मेरे को बार बार बोल रहा है कि आप यहाँ पे जो खाना है ये इंडियन टच के हिसाब से। इंडियन टच के हिसाब से यही मसाला। हाँ जी हाँ जी। तभी हमें पसंद आ रहा है। अच्छा लग रहा है इन्होंने मुझे चैलेंज लगाया मेरे को ये खानी है 500 रुपये में लेके। तो अच्छी तो है। हाँ तो हाँ कोई तो है ये अच्छी प्लस। तो ये यहाँ खत्म होती है हमारी इंडोनेशियन क्यूजीन। अब बढ़ते हैं अगली क्यूजीन की। बड़ा मुश्किल था यार ये राउंड में। तो ये है लोकेशन नंबर 3 क्यूजीन नंबर 3 फ्रेंच क्यूजीन। क्या रेकमेंड करोगे? फ्रेंच क्रेप्स। फ्रेंच क्रेप्स। This is cream and cheese. French. Let's go. Cheers. एक बारी पूरा खाना।
ये तो खट्टी है। मैं सच बताऊँ ना, हमारे घरों में वो लोनी मक्खन नहीं होता था, छोटू का टेस्ट में था, उसके बाद का सड़े हुए लोनी मुझे बोलना नहीं चाहिए। शुरुआत में टेस्ट आता है जैसे मक्खन का, सफ़ेद मक्खन का, उसके बाद वो बदतर से बदतर होता जाता है। इसका पोस्टमार्टम कर, इसमें है क्या क्या चीज़ है? बहुत बकवास है जो ये धनिया है। धनिया नहीं है, धनिया है ये। धनिया में मिर्च कब से होने लगी? मिर्ची ये रही ना, चिली फ्लेक्स ये रहे, चिली फ्लेक्स। उम्मीद है कि नेक्स्ट आइटम जो है हमारा वो थोड़ा इसको ठीक करेगा, वो फ्रेंच टोस्ट। पहले लाइक पीपल यूज टू से कि फ्रेंच डेजर्ट बहुत टेस्टी होती है, हेंस प्रूफ्ड। हेंस प्रूफ्ड। ये देखो जो है बेटा, पचा लिया तुम्हें मैंने डेजर्ट ऑर्डर करके। आई विल रिकमेंड चीज व्हिच वाली आइटम मत खाना, फ्रेंच क्यूजीन ट्राई करनी है तो डेजर्ट्स खाना। यहाँ खत्म होती है हमारी फ्रेंच क्यूजीन, हम चलते हैं अगली लोकेशन की तरफ और ट्राई करते हैं अगली क्यूजीन। ओके, तो यह है अगली लोकेशन, यहाँ हम ट्राई करने वाले हैं चाइनीज क्यूजीन। प्रॉपर शांघाई वाला सेटअप है ना? वीडियो में आगे आप टर्किश, मोरक्कन, इटालियन और ना जाने कौन कौन सी क्यूजीन्स देखने वाले हो, तो बने रहिए। चाइनीज आपको बेसिकली हर नुक्कड़ हर गली मोहल्ले में मिल जाता है, लेकिन बर्कोज अपने ऑथेंटिक चाइनीज के लिए फेमस है। अपने वहाँ चाइनीज का ऑर्डर सही है। हाँ भाई, चाय चिली बड़ा लाल एक रोला, थोड़ा नमक ज्यादा चाहिए क्या? और क्या डाल दो थोड़े, क्या करें? चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। इंडिया में आते आते ना धजियाँ उड़ जाती हैं, धजियाँ उड़ गई हैं उनकी। अब हमें ये अगर ये ऑथेंटिक है तो भी, नहीं है तो भी, हमें अपने वाले से अच्छा नहीं तो चाइना जाके पता लगेगा। अगर इस वीडियो पे 4 मिलियन लाइक्स आते हैं तो यही वीडियो को हम करेंगे, लेकिन हर कंट्री में जाकर। क्या बात है, चीयर्स। अगर मैं स्ट्रीट साइड से कंपेयर करूँगा स्ट्रीट साइड बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है स्ट्रीट साइड बेस्ट है भाई। मैं अगर सच बोलूँ ना, मुझे वो जैपनीज खाना सबसे बेस्ट लगा था, वो ऑथेंटिक भी था और खाने लायक भी था। खाने लायक साइड में ले। खत्म होती है इसी के साथ हमारी चौथी क्यूजीन, मिलते हैं पांचवी लोकेशन पर, ट्राई करते हैं पांचवी क्यूजीन। हम लोग DLF में हैं एंड द लोकेशन इज कैफे टोनिनो। हम लोग ट्राई करने वाले हैं ऑथेंटिक इटालियन फूड। इटालियन के नाम पे साला पास्ता पिज्जा, पास्ता पिज्जा को नया खाएंगे। टोमेटो बेस ऑन है। अब भाई इटालियन है तो पिज्जा तो खाना पड़ेगा। कैलसोन क्वात्रो स्टैगियान पिज्जा, पिज्जा पिज्जा ऐसे ऐसे पिज्जा ना हुआ है वो, इट्स पिज्जा पिज्जा। और सेकंड डिश रैवियोली दी रिकोटा स्पिनाची, ऐसा लग रहा है जैसे वो हैरी पॉटर में कोई मंत्र देखना, रैवियोली दी रिकोटा स्पिनाची। This is salsa, Italiano salsa. This is hari chutney. यहाँ पे पता नहीं इसको क्या कहते हैं। Let me try. रोटी की तरह खा रहा है। Bruschetta. हमारा bruschetta था नहीं, बस आपकी तरफ से। Thank you so much यार। अरे मजा आ गया। हमें कॉम्प्लीमेंट्री मील मिली है। लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई। दो डिशेज हमने ऑर्डर करी थी तो इटालियन हमारी रैंकिंग में काफ़ी ऊपर जा चुका है बिकॉज ऑफ कैफे टोनिनो। डिशेज थोड़ी अलग तरीके की है इटालियन क्यूजीन की। ब्रेड है उसके ऊपर टमाटो है, टमाटो ठंडे हैं, ब्रेड गर्म है। एटलीस्ट खाने लायक है, ऐसा नहीं लगी स्मेल भी नहीं किया जा रहा है। मुझे पता नहीं है क्या है, पर मुझे तो ये थोड़ी बड़े साइज की ना गुजिया नजर आ रही है। नान लग रहा है, नान लिटरली फिल्ड स्टफ्ड नान। इसमें चार तरीके की चीज है। इट्स कॉल्ड क्वात्रो चीज। This is your ravioli, ricotta and spinach. Basically, this is the seeds of some flour, coating of egg. And inside some spinach and pork. Okay, ये था हमारा पिज्जा। बड़ा अलग तरीके का पिज्जा है, ऑथेंटिक इटालियन फूड। बहुत अलग तरीके है। कैसा लगा? यार मुझे अच्छा लगा। मुझे सही लगा। मुझे टेस्टी लग रहा है, फिल्ड विद वेजीज एंड बाहर का क्रस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब टिपिकल पिज्जा किसी भी एंगल से नहीं है, वर्थ ट्राइंग है। टेस्टी सा, मज़ा आया, बहुत टेस्टी सही। ये खाना कुछ टेस्टी था,
काफी मजा आया। संजू आपका रिव्यू? रिव्यूली ऐसी लगी मम्मा मिया, मेरे हिसाब से टेस्टी है। इटालियन फूड मेरी तरफ से थम्स अप। अगली क्यूजीन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं फिर एंड में कौन सी क्यूजीन बेस्ट होती है। क्लब चले संजू इधर तो देख यार, मैं ये क्लब जैसी जगहों पे मैं नहीं जाता हूँ। I'm a pretty boy, I'm stunning. Look at Randy Orton slithering. Oh, watch out, watch out, watch out, watch out! Is it funny? Brothers of Destruction! हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं मोरक्कन क्यूजीन। लेट्स सी कैसा होगा इसका टेस्ट। ये कौन सा डिश है? लैम डोनर। दिस वी हैव हमस, सो आफ्टर दैट वी कुक लैम विद सम स्पाइसेस, दैट्स आल्सो मोरक्कन स्पाइसेस। अच्छा पिता ब्रेड है। This is really good. Give our gratitude to the chef. यार मुझे लग रहा है हमें ना पहले मोरक्कन में ही आना चाहिए था। हम जापान चले गए। बारबेक्यू लैम हमस पिटा ब्रेड टेस्टी है। कॉम्बिनेशन ऐसा है, शावरमा से अच्छा। This is called chicken thighs. इसकी प्रिपरेशन के बारे में do you know? चिकन है, हाफ चिकन मैंने इसे मोरक्कन स्टाइल। ये भी कुछ अतरंगी सा है, बट ये लैम वाला ज्यादा टेस्टी था। इन सब में से आपको कौन सी क्यूजीन सबसे ज्यादा एपेटाइजिंग लग रही है ना, मुझे कमेंट करके बताओ। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी सिक्स्थ क्यूजीन। मिलते हैं अगली लोकेशन पर, ट्राई करते हैं अगली क्यूजीन। आ गए अपनी सेवेंथ क्यूजीन ट्राई करने डायबलो, जो कि है मैरोली में नियर कुतुब मीनार, और यहाँ पर हम ट्राई करने वाले हैं टर्किश क्यूजीन। मुझे तो यार बुरा लग रहा है कि ये सेवेंथ नंबर की हो गई है, काश ये 100 तक जाती लिस्ट है। This is a juju kebab chicken. तो खाना बहुत टेस्टी है, बट द थिंग इज कि एक चीज जो है जो उसके अंदर थोड़ा सा इंडियन टच दिया हुआ है। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी टर्किश क्यूजीन, जो कि बहुत टेस्टी थी। संजू क्या कह रहा है? टेस्टी थी भाई, है ना, मज़ा आया। हाँ ये गुजराती फाफड़ा बहुत अच्छा, टर्किश खाने में मज़ा आया। अब बढ़ते हैं अंदी क्यूजीन की तरफ, ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। हम हैं हाय हाय, यहाँ हम क्या ट्राई करने आए हैं संजू? यहाँ हम ट्राई करने आए हैं कौन सी डिशेज? थाई। यहाँ हम ट्राई करने आए हैं थाई डिशेज, थाई क्यूजीन। अब देखना ही है कि हमें यहाँ पे ऑथेंटिक मिलेगी या वही इंडियन टच मिलेगा मसाला वसाला डाल के। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट, दोबारा करूँ। अरे भाई यहाँ का व्यू जबरदस्त है। यहाँ हम ट्राई करने आए हैं थाई क्यूजीन। ये है बिल्कुल कुतुब मीनार के सामने रूफ टॉप पे। बेस्ट बेस्ट एम्बियंस अभी तक, एम्बियंस अभी तक का बेस्ट है। जितने हमने अभी तक ट्राई करे हैं उन सब में से बेस्ट है। हाय कैन यू रेकमेंड अस सम डिशेस टू ट्राई इन थाई क्यूजीन? आई गो फॉर टोमका सूप, टेस्ट आई विल गो फॉर टोमका टोम, वी हैव टॉम यम एंड टोमका, टॉम यम और टोमका। डू यू लाइक टोफू? टोफू क्या होता है? पनीर सर ये बेसिकली किस तरीके से प्रिपेयर होता है? कोकोनट मिल्क से। कोकोनट मिल्क गड़बड़ हो गई हमसे, ये दोबारा फिर ये कोकोनट मंगा लिया यार। शेफ I quit. इतना बुरा नहीं है। हाँ तो पी। फिर वही वही बवासीर। का बवासीर बना दी होगे। खाना इतना बुरा नहीं है, ले और ले। बताएंगे सर इन डिशेस के बारे में थोड़ा। सर ये थाई चिकन है सर आपका? हाँ जी। ये बेसिकली ये चिकन जो है ब्रेस्ट पीसेस था। अच्छा। और जो सॉस है ये चिल्ली पे सॉस आता है, ठीक है आपका, ये अनियन से बनता है और थाई इंग्रेडिएंट्स से बनता है। और ये पाथे नूडल्स है, इसमें जो सॉस है जिंजर है, सॉरी टैमरिंड है इसमें। ओके। और आपका गुड़ इसे बोलते हैं ना, जिजरी बोलते हैं। ठीक है ठीक है, वो इसमें होता है, उसका मिक्सअप बनता है। थाई चाउमिन अच्छी है,
ये आइटम बढ़िया है सर, मज़ा आया। थाई क्यूजीन रियली गुड, लेकिन कौन सी क्यूजीन हमें बेस्ट लगती है वो बताएंगे वीडियो के एंड में। अब अगली क्यूजीन की तरफ बढ़ते हैं, अगली क्यूजीन दिखाते हैं। कैसे लगती है जगह? जहर, इसको छोड़ के बाकी सब अच्छा है। तो ये है हमारी आज की 9th लोकेशन सेविल्ले। तो हम ऑर्डर करने वाले हैं स्पैनिश क्यूजीन, ओनली स्पैनिश क्यूजीन, ओनली टू डिशेस, टू डिशेस। कौन सा ब्रेड है? फोकाशिया ब्रेड। ओ भाई, यहाँ पे बड़ा हैवी ऑर्डर होने वाला है, क्योंकि जिस हमने पाया पर कर करके ऑर्डर करी है वो 1795 की डिश है। इस वीडियो में ना खर्चा बहुत हो गया है, तो लाइक कमेंट बनते हैं। It tastes good. Tastes good? Yeah. Why don't you have it with the sauce? The mayo. Yeah. Is it fine now? Yeah. Good? Yeah, yeah. Feel nice? Yeah, yeah. Yeah. Veg, non-veg, biryani. Yeah, that's it. Okay. 1500 के हिसाब की चीज़ तो नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी स्पैनिश क्यूजीन की सेकंड डिश। दोनों डिशेस एवरेज है, मे बी हमारे टेस्ट का नाम आप लोग को पसंद आए। इस डिश को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्यूजीन में। कैसे हो? मैंने पूछा इदा मैम, अब आप मुझे जवाब दो। ओ कदम है। ओ कदम। जजमेंट टाइम। जजमेंट टाइम से पहले अब हम आ गए अपनी 10th क्यूजीन पर। 10th क्यूजीन हमारी बहुत ही स्पेशल और दिल के करीब वाली क्यूजीन है, क्योंकि ये है हमारी भारतीय क्यूजीन। इंडियन क्यूजीन में द बेस्ट ऑप्शन वी हैव वो है ये इंडिया थाली ऑफ आर्डर 2.1। ये थाली देखने में देखो आपको कैसी लग रही है। स्टार्ट फ्रॉम द साउथ, जहाँ पे हमारे साउथ इंडियन डिशेज है। बॉम्बे का हमारे पास टिफिन है, गुजरात, देन वी हैव जम्मू, नॉर्थ ईस्ट, मतलब हर स्टेट की डिशेज है इसके अंदर। ओवरऑल इंडिया की क्यूजीन इससे बेटर तो और कुछ नहीं हो सकती। सुबह से पता नहीं क्या गंदगी ला रहा है, अब देखा अब खाने दे। इंडियन खाना होता है ना एकदम टक टक खत्म हो रहा है। आ गया स्वाद फाइनली। ओके, तो इसी के साथ हमारी फाइनली क्यूजीन खत्म होती है। यहाँ से हम इसको फटाफट फिनिश करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन सी क्यूजीन है वर्ल्ड की नंबर वन क्यूजीन हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से चलो फाइनली इट्स द जजमेंट टाइम। पूरे दिन की जर्नी को हम समराइज करेंगे एंड वी लेट यू नो कि हमारी फेवरेट, हमारे हिसाब से वर्ल्ड की नंबर वन क्यूजीन कौन सी होनी चाहिए। लेकिन हम नंबर वन से शुरुआत नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10। अब लिस्ट के हिसाब से 10th क्यूजीन है इंडोनेशियन। क्या तुम्हारे हिसाब से भी इंडोनेशियन क्यूजीन नंबर 10 पे होनी चाहिए? नहीं। इंडोनेशियन वो जो नूडल्स वाली डिश हमने कहा? नहीं 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 ना। कौन से नंबर पे? नंबर 10 पे एक साथ बोलते हैं 3, 2, 1 जापानीज। भाई वो सुशी यार, नहीं यार सब खराब मुझे, मैं उसको यार बाकी इनकी मर्जी है, ठीक है। 10th के बाद अब लिस्ट गूगल रैंकिंग्स के हिसाब से नंबर 4th क्यूजीन है इंडियन क्यूजीन। इंडियन तो नहीं है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से चौथी नंबर पे कौन सी क्यूजीन है? हमारे हिसाब से भाई चौथे पे है इटालियन बेस्ट। नंबर 3 चाइनीज। लिस्ट के हिसाब से था इटालियन, हमारे हिसाब से चाइनीज। नंबर 2 मोरक्कन। लिस्ट के हिसाब से फ्रेंच। मोरक्कन में यार वो जो था ना वो मतलब मजा आया भाई, पीटा ब्रेड और लैम टिक्का जो भी कहते हैं, वो एग्जैक्ट नाम नहीं पता मेरे को। लिस्ट के हिसाब से फ्रेंच सेकंड पे। ये सब झूठ है। और फाइनली द जजमेंट टाइम नंबर 1, नो पार्शियलिटी, बट ये भी 3-2-1 कर दे। ईस्ट और वेस्ट, ओ इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, ओ इंडिया इज द बेस्ट। भाई चटनी वाले प्याज मतलब फाइनली पेट भरा है। लास्ट में आगे कुछ खाया वरना तो ठन गोपाल घूम रहे थे। तो हमारे हिसाब से दुनिया की बेस्ट क्यूजीन है इंडियन क्यूजीन। अगर आपको ऐसी वीडियोस के और भी पार्ट दिख ले, जैसे हमने एक दिन बर्गर चैलेंज करा था, पूरे दिन अलग अलग जगह के बर्गर ट्राई करे थे, पिज्जा, बिरयानी, तो चैनल पे जाके देख सकते हो। और वो देखने के लिए आपको चैनल को
इस वीडियो को लाइक शेयर करना पड़ेगा और अपना जो भी फेवरेट मोमेंट रहा हो इस पूरी वीडियो का, हमें जहाँ सफर करते हुए देख के आपको मजा आया हो तो कमेंट करके बताना। इसके साथ साथ ऑल्सो डाउनलोड द फाइव एप्लीकेशन टू ऑर्डर दिस अमेजिंग कार्ड फॉर योरसेल्फ। इसी नोट पे लेट्स एंड द वीडियो। दिस इज आयुष, दिस इज संजू, दिस इज उदय। टेक केयर गाइस, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।